हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान में एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर का पहला यूनिट है। सेकंड पेपर में टोटल 5 यूनिट है, जिसमें से पहला यूनिट है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। तो इसे टॉपिक को हम कवर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम तुलनात्मक राजनीति की हम एक परिभाषा देख लेते हैं। एडवर्ड फ्रीडमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। किसका किसका? राजनीतिक संस्थाओं का और सरकारों का, जो है, जो विविध प्रकार के सरकार होते हैं उनका ही तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। एक और परिभाषा देख लेते हैं जी के रॉबर्ट्स कहते हैं कि अब राजनीति का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों, गैर राज्य इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन होने लगा है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अत्यंत व्यापक हो गया है। यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या तो कुछ नहीं कहा जाने लगा है। क्योंकि परंपरागत रूप से देखें तो तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकार और जो कानूनी संस्थाएं हैं उनका अध्ययन होता था, जबकि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में जो है, तुलनात्मक राजनीति के तहत न केवल कानूनी संस्थाओं का, औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन हो रहा है, बल्कि उन सभी संस्थाओं का जो भले सरकारी नहीं है, औपचारिक नहीं है, जो राजनीति को प्रभावित करती हैं, ऐसी सभी संस्थाओं का अध्ययन होने लगा है तुलनात्मक राजनीति में। तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यापक हो गया है पहले से कहीं। तुलनात्मक राजनीति का मतलब ही होता है कि राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, लेकिन इसमें दो शब्द प्रायः देखने को आपको मिलते हैं। एक है तुलनात्मक शासन यानी कंपेरेटिव गवर्नमेंट और एक है तुलनात्मक राजनीति। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी आप अगर समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो तुलनात्मक जो शासन की बात करें, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, तुलनात्मक शासन एक संकुचित नैरो अवधारणा है, जबकि तुलनात्मक राजनीति अत्यंत व्यापक अवधारणा है। अब इस पर थोड़ा देख लेते हैं इसको डिटेल में। तुलनात्मक शासन शब्द परंपरागत पदावली का जो है परिचायक है, जबकि तुलनात्मक राजनीति आधुनिक पदावली, क्योंकि आप जानते हैं आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक हो ही गया है। तुलनात्मक शासन की बात करें तो ये सीमित और संकुचित है, वहीं तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तुलनात्मक शासन जो है इसके अंतर्गत कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत ढांचे का अध्ययन किया जाता है, यानी ये संकुचित है, केवल कानूनी, संवैधानिक और संस्थागत ढांचों के अध्ययन पर बल देता है। जबकि तुलनात्मक राजनीति करें तो ये राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से संबंधित है, यानी सभी बातों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अन्य देख लेते हैं। तुलनात्मक शासन जो है केवल शासन संबंधी संस्थागत पहलुओं के अध्ययन तक सीमित है, जबकि तुलनात्मक राजनीति शक्तियों और प्रभावों का अध्ययन करती है, उन सभी शक्तियों और प्रभावों का अध्ययन करती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं या उसे एक विशेष प्रकार की राजनीति बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। तुलनात्मक शासन की बात करें तो ये औपचारिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है, जबकि तुलनात्मक राजनीति सरकारों व शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो करता ही है, यानी स्वतः ही करता है, साथ ही उन सभी प्रभावों और प्रक्रियाओं का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित है जिससे सरकारों का व्यवहार जो है प्रभावित होता है या विशेष प्रकार का बनता है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की जो अध्ययन हम करते हैं उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, हम क्यों तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं। तो इसकी उपयोगिता जो है हम चार हेडिंग के तहत देखेंगे, जिसमें से पहला है कि राजनीतिक व्यवहार को समझना। तुलनात्मक अध्ययन राजनीति का इसलिए किया जाता है कि हम राजनीतिक व्यवहार को समझ सकें। दूसरा है राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। तीसरा है सिद्धांतों का निर्माण करना, राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण करना। और चौथा महत्व ये है प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच करना, पुनः जो है उनकी जांच करना। तो इसको अभी ये चारों हेडिंग हम थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसका पहला हमने हेडिंग देखा था राजनीतिक व्यवहार को समझना। तो बाहर के देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व राजनीतिक व्यवहार को
समझने में सहायता मिलती है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। राजनीतिक व्यवहार के समुचित अध्ययन से हम सहज में ही इन प्रश्नों का उत्तर पा लेते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक व्यवस्था और संस्था एक समाज में सफल और अन्य समाज में असफल होती है और क्यों होती है, इसका हमें जो है पता तभी चलता है हम जब राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दूसरा उपयोगिता या महत्व हमने ये पढ़ा कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में इसका योगदान है। तो तुलनात्मक राजनीति का जब भी हम अध्ययन करते हैं, कई देशों के संविधानों का अध्ययन करते हैं, तो हमें उसमें कुछ आंकड़े प्राप्त होते हैं जिसकी वजह से ये जो है इसे वैज्ञानिक बनाने में मदद मिलता है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन इसलिए भी उपयोगी बन पाता है कि विविधता अनेकता युक्त राजनीतिक तथ्य एवं आंकड़े विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं की तुलना से प्राप्त हो सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जब आंकड़े प्राप्त होते हैं तो विज्ञान का मतलब ही होता है कि करण कारण में संबंधों का पता लगाना और विभिन्न तथ्यों के आधार पर एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति करना। तो राजनीति शास्त्र विज्ञान की श्रेणी में केवल तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही आ पाया है, और इसीलिए शायद अरस्तु के बाद से आज तक श्रेष्ठतम विचारक जो भी हुए हैं राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन या विश्लेषण में संलग्न रहे हैं, क्योंकि उससे जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उससे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में मदद मिलती है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांतों का निर्माण। तुलनात्मक अध्ययन से ही किसी विषय में सिद्धांतों का निर्माण एवं नियमों का निरूपण संभव होता है। राजनीति विज्ञान में ऐसे व्यापक सिद्धांतों की तलाश की जा रही है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को मोटे रूप में समझने में सहायता करें। अब राजनीति सिद्धांतों को, अगर राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो ये दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक होते हैं आदर्शमूलक और एक होते हैं आनुभाविक सिद्धांत। आदर्शमूलक का मतलब कि कैसा होना चाहिए, कितना सुंदर सिद्धांत हो सकता है, और आनुभाविक सिद्धांत का तात्पर्य है एम्पिरिकल थ्योरी, यानी जिसे आपने प्रयोग करके देखा है, आपने प्रयोग किया और उसे अनुभव किया और उसको जाना। फिर चौथा जो महत्व है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का, वो है प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रामाणिकता, यानी कि जो भी सिद्धांत वर्तमान में चल रहे हैं वो कितने प्रासंगिक हैं। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन से ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अतीत में स्थापित राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में भी मान्य है, कि जो भी प्रचलित सिद्धांत हैं वो वर्तमान में मान्य हैं या नहीं, उचित हैं तो कितने उचित हैं। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही हम अन्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के आधार पर अपने देश की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। फिर है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के माध्यम से इस बात का भी अध्ययन किया जा सकता है कि शासन पद्धति और विचारधारा का किस देश में कितना गहरा संबंध है। अन्य उपयोगिता यह है कि शासन पद्धतियों के अध्येताओं को अन्य देशों की राजनीतिक पद्धतियों के अध्ययन से उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है, और इस जानकारी को तुलनात्मक पद्धति द्वारा व्यवस्थित करके उपयोगी बनाया जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की बात करेंगे हम सबसे पहले, फिर उसकी प्रकृति की बात करेंगे। तो क्षेत्र का मतलब कि इसका दायरा कितना है, किन किन बातों तक ये सीमित है, क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो आपने ऊपर भी एक परिभाषा देखा था जीके रॉबर्ट के अनुसार कि तुलनात्मक राजनीति में अधिक आधारभूत समस्या इसकी उचित और तर्कसंगत सीमाओं की है, कि इसका दायरा कितना है। इसकी विषय सामग्री की अनिश्चितता के कारण यह कहना पड़ता है कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या तो कुछ भी नहीं। यानी तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, फिर भी अगर हम कम शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधानों, हित समूहों, राजनीतिक दलों, कार्यपालिका, विधायिका, विधायी व्यवहार, निर्वाचन, मतदान व्यवहार, कानूनी पद्धतियां, लोक प्रशासन, राजनीतिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण आदि के सांगोपांग विश्लेषण को लिया जा सकता है। यानी आप देख रहे हैं कि राजनीति, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र कितना व्यापक हो गया है। न केवल ये शासन के अंगों यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तक सीमित है, बल्कि ये अन्य मतदान व्यवहार हो गया, अन्य सभी बातों तक सीमित है जो राजनीति को सीमित नहीं है, मतलब व्यापक है, जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को देख लेते हैं।
तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति जो है कैसी है? तुलनात्मक राजनीति पश्चिमी देशों, गैर पश्चिमी देशों और साम्यवादी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति विविध राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ और राजनीतिक संरचनाओं और उनके प्रभावों का भी अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव स्वभाव, उसकी परिस्थितियां तथा उसके व्यवहार के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के मूल्य की तुलना भी की जाती है। उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद इसकी प्रकृति के बारे में विद्वानों में विचार विभेद है, यानी मतभेद है। मोटे रूप से इसकी प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला दृष्टिकोण ये कहता है कि तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक या वर्टिकल तुलना है, और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि तुलनात्मक राजनीति क्षैतिज या होरिजेंटल तुलना है। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वर्टिकल जो तुलना है, वर्टिकल कंपेरेटिव स्टडी या लंबात्मक तुलना क्या है। तो देख रहे हैं कि जो वर्टिकल कंपेरेटिव स्टडी है या लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है, इसके समर्थकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले कारकों या व्यवहारों का अध्ययन है, विश्लेषण है। जैसे राष्ट्रीय सरकार, स्थानीय सरकार या राज्य सरकार। लंबात्मक का मतलब होता है कि वर्टिकल में यहाँ केंद्र सरकार होगी, फिर राज्य सरकार होगी और फिर यहाँ पे होगी स्थानीय सरकार। तो इन तीनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इसे हम वर्टिकल कंपेरेटिव स्टडी कहेंगे। और दूसरी जो अवधारणा है वो है आपका होरिजेंटल कंपेरेटिव स्टडी, यानी क्षैतिज तुलना। अब क्षैतिज तुलना, क्षैतिज अगर आप एक लाइन खींचे तो ये इस प्रकार से होगी। तो क्षैतिज का मतलब है कि एक ही देश में विभिन्न कालों में सरकारों का अध्ययन। जैसे अगर भारत की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू के काल में कैसा था, इंदिरा गांधी के काल में कैसा था, अटल जी के काल में कैसा था और मनमोहन सिंह के काल में कैसा था और मोदी जी के काल में कैसा है। या तो ये इस प्रकार से हो सकता है, या फिर इस प्रकार से हो सकता है कि भारत का संविधान या सरकार कैसा है, ब्रिटेन का कैसा है और अमेरिका का कैसा है, रसिया का कैसा है और चीन का कैसा है। तो ये क्या है, ये होरिजेंटल तुलना है। तो इस पर प्रथम तुलना एक ही देश के विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में हो सकती है, और दूसरी राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, ये तुलना होरिजेंटल तुलना कहलाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी सर्वमान्य धारणा आज वही है कि यह समकालीन विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। तो इस प्रकार आशा करती हूँ कि आपको तुलनात्मक राजनीति का ये जो पहला यूनिट था कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। और दूसरा इस यूनिट में, सेकंड पेपर में 5 यूनिट हैं, जिसका दूसरा यूनिट है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम क्या है। इसमें मुख्य जो उपागम है वो है डेविड ईस्टन का व्यवस्था उपागम, आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम और कानूनी और औपचारिक उपागम। तो हम जो है अपने दूसरे यूनिट को इसके बाद से ले आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।